आपको अपने जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी तो याद ही होगी। ममता कुलकर्णी का जन्म 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता हमेशा अपने फिल्मी करियर से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रही है। ममता उस वक्त बड़े विवाद में आ गई थी जब उन्होंने 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था। इसके बाद उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना तक लगाया गया। हालांकि ये फोटोशूट काफी चर्चा में रहा, इसकी कॉपियां ब्लैक में बिकी थी। ममता हिंदी सिनेमा जगत की वो एक्ट्रेस थी जो अपनी बोल्डनेस और बेबाकपन के लिए मशहूर रही है। उस दौर की खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी रचाई। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया। वैसे ये सही है कि ममता 10 साल तक विक्की के साथ दुबई में रही थी और उनके साथ उनके काले कारनामों से भी जुड़ी रही है। इस बात का सबूत 2016 में उस वक्त मिला जब ममता और विक्की गोस्वामी को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के चलते गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि ममता कुलकर्णी का नाता अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी था। कई रिपोर्ट्स की माने तो ममता को कई सुपरहिट फिल्में अंडरवर्ल्ड की वजह से मिली। कभी अपने ग्लैमर्स और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी बाद में साध्वी बन गई। उन्होंने बायो ऑटोग्राफी ऑफ एन योगी नाम की एक किताब लिखी है। वह अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी है। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने एक बार कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ।